ये एक्सपीरियंस बहुत मजा आने वाला है। ये है परवरी का सबसे बड़ा पार्क, वाटर पार्क। ये हमारे रैनेश्वर भाई को अंदर एंट्री नहीं है जाने की, बच्चे तैर रहे अंदर। A few moments later. तो कैसे हो दोस्तों, ये अपुन का भाई है ज्ञानेश्वर, बहुत दिन बाद आया है और आज हम आपको बहुत ही खतरनाक जगह पे लेके जाने वाले। क्या बोला तूने? बहुत ही फनी पार्क है गाइस, और आपको देख के, आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता ही चली गया होगा। तो चलो चलते हैं, आपको उसके नजारे बताते हैं, पूरा नजारा देखेंगे और आपको भी बताएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो कुछ भी करना है करो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दादा दादी पार्क में, और चलो अंदर चलते हैं और आपको अंदर के नजारे बताते हैं। ये देखो गाइस, नजारा बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो गाइस हम लोग इस रास्ते से आए थे और बहुत ऊपर है गाइस, इधर देखो हम पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। देखो गाइस कितने ऊपर है ये, और नीचे देखो पूरा डोंगर दिख रहा होगा आपको, पूरा जंगल दिख रहा होगा, जंगल के नजारे देखो गाइस। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये हमारे मैनेजर साहब है, ये हमें इस पार्क के सारे नज़ारे बताने वाले हैं। चलो चलते हैं, और यहाँ से जैसे हम एंट्री करते हैं गाइस, यहाँ पर दो हाथी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से एंट्री करना है, ये कैश काउंटर है गाइस। देखो यहाँ पर आने के बाद आपको टिकट लगेगा, तो ये टिकट घर समझ लो। और यहाँ से अभी और ऊपर जाने के बाद ये साइड में पूरा पार्क है। चलो इस पार्क के सारे नज़ारे आपको बताते हैं। तो गाइस 17 एकड़ के जमीन में ये बना हुआ है, अभी फिलहाल 9 एकड़ में इन्होंने बनाया है। तो आगे चल के और इसमें इंप्रूव किया जाएगा और आपको अच्छे अच्छे और इसमें इंप्रूव देखने को मिलेगा। यहाँ पर किचन है गाइस, ये किचन है, और ये क्या है? खाने के लिए टेबल्स। ये खाने के लिए टेबल्स, और बहुत अच्छी सुविधा है गाइस, देख सकते हैं आप, मंडप विंडप डाल के, और टूरिज्म के लिए एकदम बहुत बढ़िया पार्क है ये। तो गाइस अब हम ऊपर के पार्क में एंटर हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ है, इसे वेलकम कहा जाता है। और यहाँ से ऊपर चढ़ के आपको कृष्णा जी के दर्शन हो जाएंगे, उसके भी नज़ारे बताएंगे। फिलहाल इधर चलो, जो जहाँ पर हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पर चलो। तो देखो पहाड़ी पे से पानी गिरने वाला फाउंटेन यहाँ पर बनाया गया है, और ये भी जो पार्क है ये पहाड़ी के ऊपर ही है, इंद्रायणी माल के ऊपर है ये। तो चलो अभी और आपको आगे के नज़ारे बताएंगे। ये तो चालू हो चुका है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे गाने वीने बजाने के लिए डीजे भी लगा हुआ है। 50 मेंबर्स का अपना गेम है अपने पास, इसमें ये क्या है? हाँ। ये गेम है हमारे पास। हाँ। जो अगर रेस्ट करना चाह रहे हाँ। तो उनको बुला के हम चिट्ठी देते हैं, बॉक्स अच्छा, दे देते हैं अच्छा। तो बॉक्स में से एक चिट्ठी निकालना है, उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसके आंसर जो भी देंगे हाँ। उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। अच्छा अच्छा, तो गाइस इसमें से जो भी आंसर अच्छा देगा कोई भी, तो चिट्ठी उछाली जाती है तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। चलो गाइस ऊपर चलते हैं, ये वेलकम जो यहाँ पे वेलकम करते हैं वो मूर्ति लगाई हुई है। आइए ऊपर आइए, ये देखो यहाँ पर कृष्णा जी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर अपने कृष्ण भगवान है ये, और इनके पीछे हिरण है, और ये भी बहुत अच्छा पार्क है, इसके भी नज़ारे आपको बताएं। चलो गाइस अभी ऊपर के नज़ारे आपको बताते हैं, ऊपर एक कॉटेज भी है और बहुत सारे अंदर नज़ारे आपको नज़ारे बताएंगे। आ जाओ यहाँ पे देखो, चार रास्ते, 1, 2, 3, और ऊपर जाने के लिए 1, 4। तो अभी आपको कॉटेज बताता हूँ, कॉटेज की तरफ आइए, आ जाओ। देखो गाइस आपके लिए सेपरेट कॉटेज है, ये देखो ये सेपरेट कॉटेज है आपके, अगर फैमिली आती है, आपका परिवार आता है, तो आपके लिए, आपके सेपरेट, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये सेपरेट आपको कोटेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं। और अभी आइए आपको सबसे बड़ा गोरिल्ला बताता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा गोरिल्ला भी है और उसका बच्चा भी है छोटा। ये देखो अपना गोरिल्ला, कितना बड़ा गोरिल्ला है, देखो ये इसका बच्चा भी है यहाँ पे, हाथ में केला लेके खड़े वाला। तो ये गोरिल्ला कैसा लगा कमेंट में बताओ, इधर आओ। और यहाँ पे है बच्चों के लिए वाटर, क्या बोलते हो बोटिंग। तो गाइस बच्चों के लिए बोटिंग भी है यहाँ पे, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाला पानी के अंदर। और इसके नीचे गाइस वाटर पार्क भी है, तो वाटर पार्क की भी आपको नज़ारे बताएंगे। तो चलो चलते हैं, अभी नीचे भी जाना है तो आपको उसके भी नज़ारे बताना है, और उधर जाके आपको एक उसके भी नज़ारे बताएंगे ऊपर भी थोड़ा। देखो गाइस यहाँ पे घोड़ा भी है, स्प्रिंग वाला घोड़ा, इधर भी घोड़ा है। आया बोले तो अपन गरम लकड़ियाँ वगैरह डाल के चेयर्स पे बिठा देते पूरे गेस्ट पे, रात का खाने की व्यवस्था पूरा चेयर पे रहता। यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनको चेयर पे बिठा के यहाँ पर शेकोटी तैयार की जाती है। इसे इंग्लिश में क्या बोल, इंग्लिश में नहीं बोलते, इसे शेकोटी करते हैं अपने मराठी भाषा में, शेकोटी हिंदी भाषा में शेकोटी करते हैं। यहाँ पर आग लगाई जाती है, और ठंडी के दिनों में शाम के टाइम पे, रात में, यहाँ पर सब लोग चेयर पे बैठते हैं, और यहाँ पर बहुत भारी फर्क करते हैं।
फन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर शूट के लिए आपको किसान और किसान के दो बैल भी दिखेंगे, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, लेकिन आप फोटो शूट ले सकते हैं। यहाँ पर एक फ्रेम है, आप कुछ इस तरह से यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। देखो गाइज जिस तरह से यहाँ पर सेल्फी ली जाती है, ये फुटेज यहाँ से आप ले सकते हैं। ये है गाइज प्ले पार्क, देखो गाइज जिस तरह से प्ले पार्क, यहाँ पर झूले वो है सब है। और आइए नीचे आइए, आपको बाल बालो देखो गाइस, यहाँ पे फिसल मंडी है, यहाँ पर ये उचक बिजली है, और यहाँ पे है अपना भालू। देखो ये भालू 30 करोड़ का, ये देखो झूला, ये झूले की भी आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा झूला। देखो गाइस ये भी आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा यहाँ पे। आइए और इधर गाइज ये है बर्थडे शेड, अगर आप में से किसी का बर्थडे है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर आपका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और मैं भी ऐसा एक्सप्लोर करूंगा कि मेरा भी बर्थडे यहीं पर मनाया जाएगा आने वाले दिनों में, और हमारे मैनेजर का भी। तो देखो गाइज कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, यहाँ पे पीछे आपको और अच्छा बैकग्राउंड बना के मिल जाएगा, नीचे पूरी सुविधा आपको सब दी जाएगी, सब सब नंबर बन जाएगा, जब आपको चाहिए जब आप बुक कर दो। ऑनलाइन भी बुकिंग है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी, यहाँ पे आ सकते हैं मांडा गली में। और मांडा गली से 1.5 किलोमीटर पे इंद्रवेणी माल है, इंद्रवेणी माल के बाजू में दादा दादी फार्म्स एंड एग्रो रिसर्च वाटर पार्क। अच्छा, मांडा गली से 10 किलोमीटर डेढ़ मांडा गली से 1.5 किलोमीटर दूर है इंद्रवेणी माल, 17 किलोमीटर लगता है, परवनी से 17 किलोमीटर रहता है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपके फैमिली को लेके आ सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी हम आपको वाटरफॉल के नजारे बताएंगे, चलो आप। ये है इंद्रवेणी लॉन, इसे लॉन कहा जाता है, और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी चीज सुविधा मिलेगी। यहाँ पर फोटोशूट के लिए, और ये फाउंटेन भी है, पानी का फाउंटेन भी है, और यहाँ पर फोटोशूट कर सकते हैं। और किस तरह से फोटोशूट करना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दो बदक लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपके बर्थडे के फोटो खींच सकते हैं, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ भी आपका जो भी फंक्शन है कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से बैठ के फोटो खींचने का। वेलकम टू वाटर पार्क, अभी हम वाटर पार्क के अंदर जा रहे हैं, चलो आइए आपको वाटरफॉल के अंदर के नजारा बता रहे हैं। यहाँ पर एंट्री गेट है, यहाँ पर आपको टिकट मिलेगा, और यहाँ से आपको टिकट लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। तो गाइस हम लोग वाटरफॉल के अंदर आ चुके हैं, और ये देखो वाटरफॉल, देखो ऊपर से पानी गिरता है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं कॉस्ट्यूम रूम के अंदर, आपको यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम, यहाँ पे कॉस्ट्यूम मिलेंगे वाटर पार्क के लिए, ये कॉस्ट्यूम मिलेगा वाटर पार्क लेडीज के है, ये लेडीज है, ये लेडीज, ये लेडीज के लिए है कॉस्ट्यूम, और ये टी-शर्ट मिलेगा गाइस आपको, ये पहनने का चिरने का बहुत मजा आता है, ये शॉर्ट्स मिलेंगे, ये कपड़े लेके उधर जाने का, ये मेंस के लिए चेंजिंग रूम है, ऊपर आओ जी, यहाँ पर बाथरूम भी है, चेंजिंग रूम भी है, सब सुविधा यहाँ पर दी गई है। देखो कंपलसरी है, एकदम लग्जरी, जाने के बाद कंपलसरी शावर लेना, कंपलसरी शावर लेना कंपलसरी। ओके, अपने क्लॉक रखने के लिए लॉक, ये लॉकर भी है गाइस यहाँ पे, यहाँ पर लॉकर की सुविधा दी गई, आपकी जो भी सामान है लॉक कर सकते हैं यहाँ पर, और आपकी चाबी आपके हाथ में दी जाएगी। लेडीज, ये यहाँ पर लेडीज है, इधर ये लेडीज है, यहाँ पर लेडीज की भी सुविधा आपको मिलेगी, ये लेडीज के लिए भी लॉकर है, सेम सुविधा जो मेंस के अंदर जो सीधा सुविधा दी गई थी वो भी यहाँ पर दी गई। देखिए यहाँ पे चेंजिंग रूम में, पूरा चेंजिंग रूम में आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, और आप जब भी वाटर लेके आएंगे तो यहाँ पर शावर लेना कंपलसरी। देखो गाइस ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर इतने दूर से ठंडा लग रहा है गाइस, अंदर बाद में जाने के बाद तो बहुत मजा आएगा। कमेंट में बताओ आपको कैसे लग रहे हैं नज़ारे, ये परवनी का नंबर एक अपना पार्क है, देखो इसे दादा दादी पार्क कहा जाता है, नाना नानी दादा दादी पार्क है ये, आपको इसके चारों तरफ से नज़ारे बताऊंगा। और ये देखो गाइस खूबसूरती, पूरा पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वाटर पार्क है ये, बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। और ये यहाँ का सबसे खूबसूरत एक ही चीज़ ऐसी है जो सबसे खूबसूरत है गाइस ये, बाकी आपको मेरे को बाकी के पसंद है, लेकिन ये सबसे अच्छी खूबसूरत नज़ारा मुझे पसंद आया, ये आप देख सकते हैं, वो मछली के अंदर पानी भरा जाता है गाइस, और वहाँ से पानी नीचे गिरता है, देखो अभी गिरेगा, ठंड
गाइस कुछ इस तरह से है इस वाटर पार्क के नज़ारे, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है वाटर पार्क के नज़ारे। आपको कैसे लगे कमेंट में बताओ, आपको पसंद आए होंगे तो नहीं करना। आइए तो भाई जी भी इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत खूबसूरत है। इसे क्या बोलते हो, इसका नाम होगा ना कुछ? स्पॉट बनाया इसको, जो भी अगर बच्चे लोग खेलने आ चाह रहे तो उसके आगे अंदर छतरी में बैठे ये सब पानी बह रहा है। तो जो भी छोटे बच्चे यहाँ पर खेलना चाहते हैं तो इस स्पॉट के नीचे बैठ जाने का और पानी ऊपर से उसके आंख पे गिरेगा। वो गिर रहा। ये एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करना। तो चलो चलते हैं, आपको कैसे लगे इस वाटर पार्क के नज़ारे कमेंट करके बताओ। गाइज ये दादा दादी पार्क आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और हमें तो बहुत मज़ा आया, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं, आपको मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय 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 बाय।